नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101 आप सबका स्वागत करता हूं अपने आज के करंट अफेयर में जिसमें हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डाउन टू अर्थ जितने जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं सबसे जो खास खबरें आ जाई हैं वो और टॉपिक होगा प्योर यूपीएससी के लिए कोई मनोरंजन नहीं है भाई कोई एंटरटेनमेंट नहीं है मसालेदार चाहिए तो यहाँ पे नहीं मिलेगा हाँ आपको यूपीएससी करना है क्लियर करना है स्टेट बेसिस क्लियर करना है अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी है सब चीज़ यहाँ मिलेंगी जब बात आती है दोस्तों अच्छे कॉन्टेंट की अच्छे जगह की एक प्लेटफॉर्म की जब बात आती है दोस्तों तो दीज आर द डिफरेंट चैनल्स विच आई क्रिएटेड फॉर यू ठीक है आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट किए हैं चार चैनल्स तो मैं चाहता हूँ आप इन चारों चैनल पर अपनी जो है ब, 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 क्या बोलते हैं उसको यार अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाएं ये चार चैनल हैं आप लोगों के लिए इन चैनल्स के नाम है जोग्राफी 101 जीरो वन यूपीएससी वन करंट अफेयर 101 और साथ ही साथ मैं बात करूंगा एनसीईआरटी 101 देखो यार ये चारों चैनल जो है ना ये आपको एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको देने वाले हैं फॉर योर यूपीएससी सी एस प्रिपरेशन अगर हम बात करें आपकी तैयारी के अंदर में साथ साथ मैं चाहूंगा आप मेरे साथ अनकेडमी ऐप पर भी जुड़े यहां पर आपको जुड़ने के लिए मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करना है फॉलो जब आप फॉलो कर लेंगे उसके बाद मैं बता दूं एक बार फॉलो करने के बाद मेरी कोई भी क्विज मेरी कोई भी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स आप मिस नहीं करेंगे जैसे ही ये प्लस कोर्स होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप यार इनको जुड़ पाओगे इनसे ज्वाइन कर पाओगे सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ प्लस कोर्सेज में जुड़ने के लिए जो कि पेड होता है दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा कोड यूज करें मेरा कोड है सुमित टेन सुमित टेन जब भी आप यूज करेंगे ना आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मैक्सिमम जो मिलेगा और साथ साथ मेरा गाइडेंस भी आपके पास में रहेगा आज बात करते हैं दोस्तों वर्तमान के ऑफर की 50 परसेंट फ्लैट चल रहा है ऑफ चल रहा है अन अकेडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के ऊपर में सो मैं चाहता हूं दोस्तों आप इस पे नजर डालें जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट है जो लेना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन जाइए ज्वाइन कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सिर्फ सत्रह प्रति माह के अंदर में आप अपने आई बनने का सपना पूरा कर सकते हैं जिसमें जीएस सेट ऑप्शनल प्री और मेन्स का सब आपको मिल रहा है वन टू वन लाइव मेंटरशिप ठीक है डेली आंसर राइटिंग एवरीथिंग इज देयर यार जाइए दोस्तों बस आपको जाना है आपको ज्वाइन करना है बाय यूजिंग द कोड सुमित टेन ऑफर लिमिटेड पीरियड्स के लिए थोड़ा जल्दी करना है ठीक है जिसको भी ज्वाइन करना है पहला टॉपिक बात करने वाले हैं दोस्तों अरब लीग के ऊपर में और हम बात करने वाले हैं सीरिया देखो प्यारे बच्चों दो के अंदर में जब इस्लामिक स्टेट का वो सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही थी एक माइग्रेंट क्राइसिस होता जा रहा था तो उसको कंटेन करने के लिए जो आई एस आई एस वाली मुद्दा उठा था ना ये मुद्दा पहले जो है वहाँ का एक इंटरनल मुद्दा था मुद्दा क्या था कि दो ग्रुप बने थे एक ग्रुप जो थे वो ये वहाँ के सीरिया के अभी प्रेजिडेंट हैं बशर रशद नाम है शायद इनका ठीक है अभी चेक कर लेंगे तो एक तो इनके सपोर्ट में थे और एक दूसरे इनसे एंटी कुछ लोग ये थे जो चाहते थे कि ये पावर में रहे ठीक है जैसे ईरान इनको सपोर्ट कर रहा था रशिया आज भी इनको सपोर्ट करता है दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे जिसमें पूरा का पूरा अरब जो कंट्रीज हैं वो सब मानती थी जिसमें लीड कौन कर रहा था दोस्तों सऊदी अरेबिया अब सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बीजिंग कन्वेंशन हुई है आपको पता है और उनके बीच में बातचीत अच्छी हो गई है तो जो पुरानी लड़ाइयाँ थी वो सब इराक सॉरी सी, सीरिया और इराक में जो हुआ था दोस्तों यमन में जो हुआ था वो इनकी लड़ाई नहीं है जो अभी यूक्रेन में हो रहा है वो यूक्रेन की रशिया की लड़ाई नहीं है वो दो बड़ी पावर की लड़ाई है और उसी प्रॉक्सी वॉर के अंदर में लोग फंस जाते हैं क्योंकि अब युद्ध जो है ये जो कन्फ्लिक्ट है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो अभी रिसेंटली टर्की के अंदर शायद फरवरी के अंदर में एक अर्थक्वेक आया था तो उस अर्थक्वेक से सीरिया और टर्की दोनों में बहुत तबाही हुई है और उसके बाद एक लोगों की राय बदली है और जो अरब लीग है अब वो सोच रही है कि सीरिया को दोबारा से अपने फोल्ड में ले लिया जाए पहले सीरिया इसका मेंबर था आई थिंक 22 मेंबर हैं अरब लीग के अंदर तो इनकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था ठीक है क्योंकि ये गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे थे तो इनको टैकल करने के लिए इन पे कंट्रोल जमाने के लिए उस समय पे क्या किया गया था दोस्तों इनकी सीरिया की मेंबरशिप को हटा दिया गया था बट नाउ अरब लीग इज कंसीडरिंग कि भाई इसको वापस ले आते हैं सीरिया को अरब लीग के अंदर में तो ये एक अच्छा टॉपिक है अरब गवर्नमेंट वोट फॉर सीरियाज रिटर्न टू द अरब लीग आफ्टर द ट्वेल्व ईयर ऑफ एबसेंस बारह साल के बाद में ऐसा कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को लीड कौन कर रहा है दोस्तों इसको लीड कर रहा है जॉर्डन ठीक है तो अभी जॉर्डन के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बातचीत कर रहे थे तो ये इसको हम बोलते हैं जॉर्डन इनिशिएटिव्स जॉर्डियन इनिशिएटिव्स को नाम भी दिया गया है तो ये था जिससे मामला स्टार्ट हुआ कि भाई सीरिया को फोल्ड में लेके आते हैं दोबारा और अभी इजिप्ट की जो कैपिटल है कैरियो वहां पर एक डिटेल एग्रीमेंट होता है जिस पे काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर में वोट की है कि हाँ सीरिया को इसमें आ जाना चाहिए लेकिन हाँ जितने मेंबर हैं अरब लीग के अंदर सबने इसको सपोर्ट नहीं किया है बहुत सारे लोग तो इससे एबसेंट रहे हैं उन्होंने वोटिंग को ज्वाइन ही नहीं किया जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि सब लोग इसके सपोर्ट में नहीं है लेकिन मेजर बात यह है कि जो दो बड़े प्रतिद्वंदी थे पहले यानी कौन कौन सऊदी अरेबिया और ईरान उनकी अब दोस्ती हो चुकी है तो वो अब इस बात को मानने लग गए हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि ठीक है अब दुश्मनी का कोई मतलब है नहीं तो अब सीरिया को दोबारा से अपने फोल्ड में ले लिया जाए जीएस पेपर दो इंटरनेशनल ग्रुपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट को प्रभावित करने वाली नीतियां कह रहा है कि अरब गवर्नमेंट जो है इट रिप्रेजेंट एक अरब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव विच मेट्स इन कैरियो कैरियो वोटेड ऑन मे सेवन टू रिटर्न सीरिया टू द अरब लीग आफ्टर ट्वेल्व अपसेट अभी बात हो रही है कि जो इजिप्ट की कैपिटल है वहां पे बात हुई है सात मई को और वोटिंग हुई है कि अरब लीग जो है वो कह रही है कि भाई दोबारा से बारह साल हो चुके हैं हमने सस्पेंड किया हुआ अरब लीग के अंदर में जो मेंबरशिप है सीरिया की अब उसको समाप्त करते हैं ये जो वोट है ऑफ इजिप्टियन कैपिटल इट केम्स डेज आफ्टर रीजनल टॉप डिप्लोमेट्स मीट इन द जॉर्डन मैंने आपको बताया जॉर्डन के अंदर पहले बैठक होती है जॉर्डन के अंदर पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है कि किस प्रकार सीरिया दोबारा से अरब लीग को ज्वाइन करेगा इस सारे उसको नाम दिया जाता है जॉर्डन इनिशिएटिव जॉर्डियन इनिशियटिव एज अ कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज टू डी एस्किलट अगर हम देखें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी डीएसकेलेट हो रहा है ठीक है सऊदी अरेबिया अभी आगे जाके अरब लीग समिट होस्ट करने वाला है मई उन्नीस मई को तो ये चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले सीरिया जो है वो दोबारा से अरब लीग की फोल्ड में आ जाए तो इसी वजह से जॉर्डन ने अभी पिछले सप्ताह जो बातचीत है उसको होस्ट किया है अलग अलग जगहों के जो डिप्लोमेट्स हैं सऊदी अरेबिया के इराक ईरान सीरिया के वो सब गए हैं और उन्होंने जाके बातचीत की है यहां पर दे एग्रीड ऑन अ फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क हुआ है जिसमें बोल रहा हूँ जॉर्डियन इनिशिएटिव तो उसके ऊपर सहमति हुई है और धीरे धीरे अब बातचीत हो रही है कि सीरिया को दोबारा से अरब फोल्ड के अंदर में लेके आते हैं जो अरब लीग है इनका डिसीजन जो था वो इस बात पे भी है जो अब ये दोबारा से उसको वापस लेंगे तो इन्होंने कमेटी भी बनाई है कम्युनिकेशन कमेटी भी बनाई है द अरब लीग इन द डिसीजन ऑल्सो सेट अ कम्युनिकेशन कमेटी जिसके अंदर सऊदी अरेबिया सीरिया उसका जो पड़ोसी है लेबनन जॉर्डन इराक इन सब के लोग रहेंगे और इनके डिप्लोमेट्स जो हैं इस बात इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द सीरिया को दोबारा से अरब फोल्ड के अंदर में जोड़ा जाएगा अब थोड़ा सा रीजन समझते हैं सर इसका कारण क्या है देखो इमीडिएट कारण तो क्या है ऐसा बता ही दिया गया कि जो पुरानी जो पुराना जो दिक्कत थी जो पुराना मनमुटाव था वो अब खत्म हो चुका है उसका कोई मतलब बचा नहीं है दूसरा इमीडिएट जो कारण है किसी भी घटना के कुछ इमीडिएट कारण होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं इस घटना का जो इमीडिएट कारण है दोस्तों वो कारण क्या है अर्थक्वेक जो अभी 6 फरवरी को आया था जिससे टर्की और सीरिया में बहुत तबाही हुई है ठीक है बहुत लोग मरे गए तो वो जो आत्मा है ना वो जग गई है अरबियन जो अरब लीग है उनकी अब वो चाहते हैं कि यार ठीक है पुराना मसला खत्म हो और सीरिया को दोबारा से जोड़ते हैं ताकि इस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट हो इसके पीछे रीज़न कई सारे हैं क्योंकि देखो सीरिया जब तक प्रोग्रेस नहीं करेगा तो सीरिया से जो माइग्रेंट है इलीगल तरीके से वो माइग्रेट करते रहेंगे दूसरी ओर जाए और इससे ना केवल वेस्ट एशिया के अंदर में अरब नेशन के अंदर में बल्कि यूरोप के अंदर में भी माइग्रेशन क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए है ना दूसरी बात क्या है दोस्तों अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया ये सबसे बड़े अपोजर थे ठीक है अपोजिशन जो था मिस, मिस्टर अशद जो अभी प्रेसिडेंट है उनको ओवरथ्रो करने का मुद्दा यही था ना इनको हटाना चाह रहे थे भाई ये इनको हटाना चाह रहे थे जो अरब नेशंस है वो चाहते नहीं थे कि जो मिस्टर अशद है इनकी किसी प्रकार की गवर्नमेंट रहे ठीक है कुछ ऐसे थे जिनको सपोर्ट कर रहे थे जिसमें ईरान और रशिया था अब बाजी कौन मार गया अब अगर आप देखोगे तो देश के अंदर सीरिया के ज्यादातर हिस्से के ऊपर में किसका कंट्रोल है गवर्नमेंट इज बाय द मिस्टर अशद तो अब मुद्दा खत्म हो गया अब सऊदी अरेबिया कह रहा है ठीक है यार बाढ़ में जाओ हमारा जो अपोजिशन था वो अब खत्म क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया की अब दोस्ती हो रही है ठीक है उनके संबंध धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं तो अब ये चाह रहे हैं कि यार ठीक है जैसे हमारी दोनों के संबंध अच्छे हो गए तो सीरिया के मामले में क्यों अमेरिका को घुसाया क्यों रशिया को घुसाया यहां पर भी बातचीत करके चीजों को सॉल्व करते हैं टू इंपॉर्टेंट रीजनल राइवल सऊदी अरेबिया ईरान उन्होंने अपनी टाई को दोबारा एस्टैब्लिश किया बीजिंग के अंदर में और ये भी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कुछ सीरिया के जो नेबर हैं उनके अंदर में रेफ्यूजीज बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर सीरिया डिस्टेबलाइज होगा तो पॉपुलेशन तो जाएंगी यार दूसरे दूसरे देशों में जाएंगी और उनसे फिर जो माइग्रेंट क्राइसिस हैं वो बढ़ेगा और वो एक बड़ा कारण था जिससे प्रयास किया जा रहा है दोस्तों कि आप भाई तुम सीरिया को ही जोड़ लो सीरिया का विकास होगा सीरिया स्टेबलाइज होगा अरे लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के हमारे देश में नहीं आएंगे अगर हम गल्फ मोनार्कीज़ की भी बात करें जिसमें यू है ठीक है बरहाइन है उन्होंने भी प्रयास किया है कि दोबारा से अपनी टाइज को क्या कर ले री कर ले इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कंसेंसस अमंग दी अरब लीग कितने लोग हैं जिन्होंने इस बात को एग्री किया है अगर हम बात करें टोटल 22 मेंबर हैं अरब लीग के अंदर तेरह माने इस बात को तेरह ने इस सेशन को अटेंड किया है उसको एंडोर्स किया है यूजुअली जब भी अरब लीग के अंदर में कोई बातचीत होती है ना तो कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है सब लोग सहमत होने चाहिए लेकिन कभी कभी वो सिंपल मेजोरिटी से भी काम चला लेते हैं जैसे इस बार चला है अब ये जो आपको क्या लगता है बाईस में से तेरह मेंबर थे बाकी क्या प्याज छीलने गए थे बाकी इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो चाहते नहीं है कि सीरिया आए तो एक बात तो पक्की है जितने अरब देश हैं उनमें सब ये नहीं चाहते कि जो है सीरिया दोबारा से अरब फोल्ड के अंदर में वापस आए ये बात तो पक्की है यहां पर ये बात तो तय है देर इज स्टिल नो अरब कंसेंसस ऑन नॉर्मलाइजेशन विद दमास्कस अभी कंसेंसस तो है नहीं कुछ गवर्नमेंट ने अटेंड नहीं किया जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की पक्की बात है वो क्या चाहते हैं आप भी सोच सकते हो मैं भी लेकिन हाँ ठीक है इसमें अगर कुछ मैं नोटेबल एबसेंटीज की बात करूं तो कतर का एक नाम आता है ठीक है कतर की बात हम करेंगे अब कतर जो है वो आज भी क्या कह रहा है दोस्तों वो सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल अशद जो है उनके ओपोजिशन को बैक कर रहा है कि जो उसके अगेंस्ट में खड़े हैं आज भी कतर उनको सपोर्ट कर रहा है वो चाहता नहीं है कि जो वर्तमान की सरकार है वो रहे है ना और वो अभी भी रजिस्ट कर रहा है कि कतर जो है कह रहा है कि सीरिया के साथ में संबंध अभी भी अच्छे नहीं होने चाहिए अब थोड़ा समझते हैं दोस्तों वाई सस्पेंडेड में सीरिया की मेंबरशिप को सस्पेंड क्यों किया था देखो सीरिया की अगर मैं बात करूं तो सीरिया जो है इट इज अ मेंबर ऑफ अरब लीग अरब लीग का मेंबर है और इनकी जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया गया था इन टू थाउजेंड इलेवन दो हज़ार ग्यारह के अंदर में क्योंकि बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई थी ठीक है अगेंस्ट दिस प्रेजिडेंट बशर अल शद ठीक है और वो वायलेंट हो गई थी दो हज़ार ग्यारह की बात मैं बता रहा हूँ ठीक है सिविल वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन थी कुछ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होती हैं है ना और वो प्रोटेस्ट देश के अंदर में बहुत बड़ी रूप से भड़कती हैं जिनको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था अरब स्प्रिंग और अपराइजिंग इस पर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है ठीक है अब कुछ लोग जो थे सपोर्ट में थे प्रेसिडेंट बशर अल अलशद की सरकार के और कुछ उसके अगेंस्ट में थे ज़्यादातर जो अरब कंट्री के लोग थे जो अरब लीग के लोग थे वो चाहते नहीं थे कि प्रेसिडेंट बशर अल अलशद जो है इनकी सरकार रहे लेकिन कुछ थे उनके सपोर्ट में जिसमें ईरान था ठीक है ईरान सपोर्ट कर रहा था रशिया सपोर्ट कर रहा था है ना ये जो प्रोटेस्ट थी उस टाइम पे बहुत बड़ी हो गई थी और इस प्रोटेस्ट के अंदर में बहुत सारे लोग मारे गए लगभग हाफ अ मिलियन पांच लाख लोग मरे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों वो देश छोड़ के ही चले गए हैं ठीक है मतलब ये मान के चलो आधी जनसंख्या जो है देश छोड़ है इतना बुरी हालत है यहाँ पे ये जो लीग है उसी टाइम पर अरब लीग ने सोचा कि यार अगर सरकार को बैकफुट पे लेके आना है जैसे अमेरिका करता है तो इन्होंने सैंक्शन इंपोज कर दिए इकोनॉमिक पॉलिटिकल सैंक्शन लगा दिए सीरिया के ऊपर क्योंकि जो वायलेंस था वो बंद नहीं हो रहा था दोस्तों लेकिन अब वो चीज समाप्त हो गई है और उस चीज की समाप्ति के बाद में अरब लीग के अंदर दोबारा से सीरिया को लाने की बात की जा रही है अब थोड़ा अरब लीग के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि अरब लीग है क्या तो अरब लीग जो है बेसिकली इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक स्थानीय संघ है जिसके अंदर अरब देश हैं साथ साथ में अरब देश की भी बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका और जो हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका है अरेबिया वो सारे देश अभी मैं मैप के अंदर से बताऊंगा आपको इसको 2000 सॉरी 22 मार्च 1945 को इसको बनाया गया था स, बनी थी उस टाइम पे छह मेंबर स्टेट्स थे इसके पहला था किंगडम ऑफ इजिप्ट दूसरा था किंगडम ऑफ इराक जॉर्डन लेबनन सऊदी अरेबिया और सीरिया वर्तमान में दोस्तों अगर मैं बात करूं इस लीग के अंदर 22 मेंबर हैं और इसका उद्देश्य क्या है टू प्रमोट इकोनॉमिक कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉपोशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट अगर आप देखना चाहो तो ये है हमारे पास क्या वर्तमान के अंदर में जिसकी मैं बात कर रहा हूं अरब लीग तो ये अरब लीग के मेंबर हैं मोरिटीनिया आपका मोरिटीनिया वेस्टर्न सहारा मोरक्को अल्जीरिया टूनीशिया लीबिया इजिप्ट सूडान ठीक है जॉर्डन सीरिया इराक सऊदी अरेबिया यमन ओमान यूएई कतर बरहाइन ठीक है डिजिबाउटी एंड सोमालिया

सवाल क्या है कि जो नई सऊदी अरेबिया और ईरान की जो रिकॉन्सिलियेशन हुआ है अभी सऊदी अरेबिया ईरान के आपको क्या लग रहा है ठीक है ये सारा दो राइवल थे वेस्ट एशिया के अंदर बड़े एक तो सऊदी अरेबिया और दूसरा राइवल कौन था ईरान अब इनके बीच में जैसे जैसे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं ना दोस्तों वैसे वैसे चीजें बेहतर होती जा रही है वेस्ट एशिया के अंदर अब इनको भी समझ में आ गया कि यार बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है अमेरिका को लेके आते हैं बार बार क्या मतलब है बैठ के खुद ही अपने मामले सुलझाएंगे उसी डायरेक्शन के अंदर में ये वेस्ट एशिया अब काम कर रहा है दोस्तों अब ये जो बातचीत कराई है इन दोनों की इसमें मेन रोल किसका है दोस्तों चाइना का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है चाइना प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ठीक है इन दिस पर्शियन गल्फ ठीक है बेसिकली अगर हम बात करें तो उसी की बात हम करते हैं कि द न्यू साउदी अरेबिया ईरान रिकन्सुलेशन एंड चाइनाज रोल इन द पर्शियन गल्फ मार्क एन एंड टू दार्टर डॉक्ट्रीन एंड सिग्नल्ड अ मल्टीपिलर रीजन डिस्कस ये मैंने पहले बताया था आपको दोस्तों डिस्कस किया था जिस दिन बीजिंग आपकी ये जो कंसेंसस हुई थी उस दिन हम डिस्कस किया था आई डोंट नो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा ठीक है मुझे उस बारे में पता नहीं है बट अगर नहीं पढ़ा है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज गो एंड वॉच दिस ठीक है उस टॉपिक को थोड़ा सा क्योंकि कई बार मैं उस पर बारे में डिस्कशन आपके साथ में मैं कर चुका हूं ठीक है मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको जरूर देखें ठीक है समझ में आ रही बात दोस्तों चलिए समझ में आया टॉपिक तो प्लीज एक बार मुझे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ठीक है अगर समझ में आया तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए जितने बच्चे हैं प्लीज लाइक करो वीडियो को शेयर करो यार सबके साथ में सो दैट एवरीबडी कैन कमेंट ज्वाइन सेशन सारे लोग आ सकें हमारे साथ सेशन देख सकें जुड़ सकें हमारे साथ चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम दोस्तों अब ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट है ना ये जो रिपोर्ट है बेसिकली रिपोर्ट अभी की नहीं है रिपोर्ट है 2022 की अप्रैल 2022 में रिपोर्ट आई थी बट इसमें बहुत बढ़िया सवाल आपके खड़े हुए हैं दोस्तों दुनिया के अंदर में नाइन ऐसी बाउंड्रीज हैं मतलब नो ऐसे एरिया रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसको यार हमें पार नहीं करना चाहिए अगर उसको पार किया तो तबाही होगी और वो रिस्ट्रिक्शंस नेचर ने सेट किए हैं इन नौ में से चार को बाउंड्रीज को हम ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं चार को हम तोड़ चुके हैं ठीक है बची कितनी है पांच उसी के ऊपर में रिपोर्ट कुछ कहता है तो पहले मैं वो बाउंड्रीज आपको बताऊंगा क्या है साथ साथ इसमें मुद्दा क्या है मुद्दा है लैंड डिग्रेडेशन का आप देख रहे हो धरती लैंड डिग्रेडेशन डेजर्टिफिकेशन जमीन जो है वो खराब होती जा रही है और इसके पीछे अनडाउटली रीजन क्या है दोस्तों एग्रीकल्चर आज अगर कहीं पे भी लैंड डिग्रेडेशन देख रहे हो आप 78 परसेंट उसके पीछे रीजन क्या है खेती एग्रीकल्चर आज हम इसमें बात करने वाले हैं लैंड 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 डिग्रेडेशन क्या 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 है क्या है रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन के माध्यम से हम क्या धरती को बचा सकते हैं ठीक है ये और लैंड रिस्टोरेशन के कौन से तरीके हमें अपनाने चाहिए जिससे धरती बच सकती है ठीक है अगेन मैं बोल रहा हूं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चरपरा नहीं है मजेदार नहीं है मजा नहीं आएगा ठीक है वो आपको बम नहीं देगा कि यार देखने में मजा आ रहा है बट डेफिनेटली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट चलिए पढ़ते हैं रिपोर्ट बेसिकली इट इन 2022 अप्रैल 20 एक साल पहले की बात है बट स्टिल आज इज इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल जो इसमें आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बात जो इसमें की गई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है द हिंदू के अंदर बात आई थी तो मैं आपको समझा रहा हूं जीएस पेपर तीन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉपुलेशन पॉल्यूशन यहां से संबंधित है मुद्दा है कि सेकेंड एडिशन जो आया है ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट का इसमें बताया गया कि ह्यूमन हैव ब्रीच नो और उस नो ग्रह सीमा में से चार ग्रह सीमाओं का मनुष्य उल्लंघन कर चुका है इस रिपोर्ट को ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट को किसने बनाया दोस्तों दिस रिपोर्ट वाज बेसिकली द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बर्ट डेजर्टिफिकेशन यू एन सी सी डी इसने पार्टनर किया है बहुत सारे जगहों से इन्होंने रिसोर्स ड्रॉ किया है इट्स पार्टनर एंड ड्रॉ अटेंशन टू द डिप्लीशन ऑफ फाइनाइट लैंड रिसोर्सेज हमारे लैंड है और जिस प्रकार से हमारे फाइनाइट लैंड रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं उस चीज को इसने दिखाया और कहा है कि देर इज अड टू अर्जेंटली रिस्टोर द वर्ल्ड लैंड जरूरत है भैया अब दिक्कत हो जाएगी बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी देर इज एन अर्जेंट नीड टू रिस्टोर द वर्ल्ड लैंड दुनिया की जो ये हमारी जमीन है इसको रिस्टोर करने की आवश्यकता है सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि वट आर दोज प्लानटरी बाउंड्रीज इन अबाउट विच आई एम टॉकिंग ठीक है किन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं प्लैनेट्री बाउंड्री क्या होती है समझिए ग्रहों की सीमा क्या होती है क्या है ग्रह सीमा प्लानेटरी बाउंड्री क्या होती है तो प्लैनेटरी बाउंड्री बेसिकली एक थ्रेश होल्ड है, है लिमिट है यार कि इसके बाद दिक्कत की तो फिर दिक्कत हो जाएगा वो लिमिट जिसमें आप सेफली ऑपरेट कर सकते हो ह्यूमैनिटी के लिए एक एरिया है भाई कि ये आपकी लक्ष्मण रेखा इसको पार नहीं करना आपको अगर ह्यूमैनिटी उस लक्ष्मण रेखा को पार करती है उस दहलीज को पार करती है तो तबाही निश्चित है ठीक है तो तबाही क्या निश्चित है तो यही है प्लेनेटरी बाउंड्रीज सो so, प्लेनेटरी बाउंड्री जो है दे आर ऑफ एनवायरमेंटल लिमिट्स दैट अ सेफ ऑपरेटिंग स्पेस फॉर द ह्यूमैनिटी नाइन प्लेनेटरी बाउंड्रीज आर देयर नो प्लेनेटरी बाउंड्रीज सबसे पहली है बायोडाइवर्सिटी लॉस दूसरा है लैंड यूज चेंज तीसरा है हमारे पास क्या क्लाइमेट चेंज नो है अभी तीन बताऊंगा पहली है जैव विविधता हानि भू उपयोग परिवर्तन किस प्रकार से लैंड यूज चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके जियो कैमिकल साइकिल में परिवर्तन आप कहोगे सर जियो केमिकल साइकिल क्या है अरे इकोलॉजी में पढ़ाया हुआ है ध्यान देते नहीं हो है ना पढ़ते नहीं हो चटपटा नहीं है ठीक है उस पर मैंने थंबनेल ऐसा नहीं लगा रखा कि अच्छा परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये मत भूल जाइएगा इसको तो करिएगा ही है ना तो वो चीजें हैं तो इसलिए दिक्कत है फ्रेश वाटर यूज ताजा पानी का हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ओशियन एसिडिफिकेशन समुद्री अमलीयकरण हो रहा है केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है रासायनिक प्रदूषण हो रहा है एटमॉस्फेरिक लोडिंग आर्ट इसको आप एटमॉस्फेरिक लोडिंग को आप पॉल्यूशन भी बोल सकते हो एटमोस्फेयर पॉल्यूशन हो रहा है ओजोन डिप्लेशन जिस प्रकार से आपकी ओजोन डिप्लीट हो रही है दट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम सो दीज द लिमिट आज सोचो आप ओजोन डिप्लीट हो जाए पूरी पूरी तो क्या ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर पाएगी तो इट्स अ लिमिट ये आपकी प्लानिटरी लिमिट है अगर पूरा महासागर से हो जाएगा अभी क्या है आपका बे, बे, उसमें क्षारियपन है, है बेसिसिटी है लेकिन अगर वो क्या हो जाए एसिडिक हो जाए तो क्या लाइफ सस्टेन कर पाएगी धरती पे नहीं कर पाएगी फ्रेश वाटर अगर हम बात करें खत्म हो जाए लाइफ नहीं नाइट्रोजन फॉस्फोरस जियो केमिकल अगर चेंज हो जाए तो ये दीज आर द लिमिट्स ठीक है विच आर सेट फॉर द ह्यूम एंड इन नाइन लिमिट्स में से पांच लिमिट वी ऑलरेडी ब्रीच ठीक है इसमें से हम कौन कौन सी ब्रीच कर चुके हैं ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है देख रहे हो बायोडाइवर्सिटी का लॉस अभी हो रहा है लैंड यूज चेंज हो रहा है हम जिस प्रकार से जमीनों का इस्तेमाल करते थे अब वो बदल गया भाई जियोकेमिकल साइकिल जो है वो परिवर्तन हो रहे हैं आप देखोगे नाइट्रोजन पॉल्यूशन होता है एक्सेस के अंदर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस का जिसकी वजह से एल्कल ब्लूम हो रहा है ये भी बता चुका हूं मैं आपको ठीक है ये सारी चीज़ हो रही है सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट दीज ब्रिचेज आर डायरेक्टली लिंक टू द ह्यूमन इंड्यूस डिफिकेशन अब आप ये कर रहे हो आप लैंड यूज आपका बदल रहा है जमीन का जिस प्रकार से अब इसको टारगेट किया गया है यहाँ पे इस टॉपिक में लैंड यूज चेंज तो कह रहा है भैया जिस हिसाब से आप लैंड यूज चेंज कर रहे हो ना ह्यूमन की वजह से उसी की वजह से डेजर्टिफिकेशन अब होता जा रहा है हमारी जो जगह है हमारा जो धरती है उसके अंदर में ठीक है आपका जो ये जिस प्रकार से आप ये चल रहे हो उससे मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है सूखा बढ़ता जा रहा है जमीन खराब होती जा रही है भूमि का क्षरण हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट जितना ज्यादा आप ऐसा करोगे उतना ज्यादा सूखा बढ़ता जा रहा है अब ये सब क्या है दोस्तों दीज ऑल आर द ठीक है ये क्या है सब ये है लैंड डिग्रेडेशन आप भूमि को खराब कर रहे हो लैंड डिग्रेडेशन लैंड यूज चेंज यही तो हो रहा है आप मिट्टी की उर्वरकता खत्म कर रहे हो आप भूमि का क्षरण कर रहे हो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है सूखा पड़ रहा है ड्रॉट आ रही है दिज ऑल आर लैंड यूज चेंज है ना अब एक बात आती है दीज आर लैंड डिग्रेडेशन तो वट इज लैंड रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन क्या है रिस्टोरेशन ये है कि डेजर्टिफिकेशन होने से आप रोको आप ऐसे काम मत करो जिससे सॉइल की जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता पे किसी प्रकार का प्रभाव पड़े केमिकल इस्तेमाल ना करो वगैरह वगैरह है ना तो उसी को हम बात कर रहे हैं लैंड रिस्टोरेशन क्या है इस रिपोर्ट में लैंड रिस्टोरेशन को डिफाइन किया गया कि लैंड रिस्टोरेशन क्या है इट इज अ कॉन्टिन्यूम एक्टिविटी मतलब बहुत सारी वो एक्टिविटी जिसके द्वारा विच वी कैन अवॉइड रिड्यूस और रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन जिससे हम भूमि क्षरण को रोक सकते हैं कम कर सकते हैं और उसको रिवर्स कर सकते हैं ठीक है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं लैंड रिस्टोरेशन बट साथ साथ में हमें ह्यूमन नीड को भी क्या करना है मैनेज करना है और साथ साथ बायोस्फीयर को भी कंजर्व करना है ये दोनों चीजें सो वट इज लैंड रिस्टोरेशन तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को अवॉइड कर सके कम कर सके और रिवर्स कर सके ठीक है हम मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सके बट साथ साथ में हम बायोस्पेयर को भी क्या कर सकें बचा सकें तो उस चीज को उस हाँ, क्या कहते हैं हम दोस्तों लैंड रिस्टोरेशन अब ये कह रहा है सर कैन लैंड रिस्टोरेशन हेल्प दी अर्थ क्या पृथ्वी की हेल्प हो सकती है इसमें क्या लैंड रिस्टोरेशन से पृथ्वी की मदद होगी मतलब क्या लैंड रिस्टोरेशन जो है वो आवश्यक है क्या उससे कुछ फायदा होगा तो देखो लैंड ये कह रहा है कि लैंड जो है ना इट इज बेसिकली एन ऑपरेटिव लिंक भाई अगर हम देखें बायोडावर्सिटी लॉस में क्लाइमेट चेंज में इन सब के अंदर में अगर हम देखें तो जमीन है जुड़ी हुई है ठीक है लैंड इज अ क्रूशियल लिंक ना जितने भी क्राइसिस आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज आज हो रहा है क्यों क्योंकि जमीन के ऊपर जो एक्टिविटी है वो हमारी बदल गई है हम एग्रीकल्चर ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर में ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन ज़्यादा हो रहा है है ना तो वो जो लैंड यू चेंज है बेसिकली जो एग्रीकल्चर है वो हम बदल रहा है हमारा है ना आप देखोगे तो सत्तर प्रतिशत जो पृथ्वी का जमीनी एरिया है वो आप बदल दिया आपने ऑल्टर्ड कर दिया है जो नेचुरल स्टेट थी सेवेंटी परसेंट वो हट गई है आपने पेड़ काट दिए आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हो है ना तो ये कह रहा है कि अगर चलो ठीक है हम लैंड रिस्टोरेशन कर दें लैंड रिस्टोरेशन क्या है जिससे लैंड डिग्रेडेशन को हम कम कर सके बदल सके अवॉइड कर सके वो एक्टिविटी जिससे हम मानव की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हम बायोस्फेर को कंजर्व कर सकें तो कह रहा है कि, कि क्या हम लैंड रिस्टोरेशन के माध्यम से क्या हम पृथ्वी को बचा सकते हैं कह रहा कि डेफिनेटली बिकॉज लैंड जो है इट इज एन ऑपरेटिव लिंक ये एक लिंक जैव विविधता की अगर हम बात करें तो भूमि एक कड़ी है यार ठीक है भूमि जैव विविधता के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के बीच की कड़ी है यार कि अगर अगर हम भूमि को बहाल कर दें ठीक है तो उससे जितने भी जुड़े संकट हैं उनको दूर किया जा सकता है सिंपल सी बात है और रीज़न क्या है इनका सबका बिकॉज ह्यूमन ने यार बहुत गड़बड़ की है आदमी ने बड़ी गड़बड़ की है सत्तर प्रतिशत जो भूमि जो नेचुरल स्टेट में हुआ करती थी हमने उसको पूरा चेंज कर दिया एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम ह्यूमन है ना आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए भाई हमने खेती करते हैं तो जंगलों को काट दिया है वेटलैंड को हमने रिस्टोर कर लिया है ठीक है वेटलैंड दलदली भूमि को रिस्टोर तो दीज आर द प्रॉब्लम्स और जिनकी वजह से आज ये सारी चीज़ें जो है हमारे हमारे को देखने को मिल रही हैं दिस इज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इससे क्या हो रहा है इससे दोस्तों आपको बता दू ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है एंड इससे पॉवर्टी अभी होगा तो पॉवर्टी हंगर इनिकवलिटी जूनोटिक डिजीज ट्रांसमिशन ये सब बढ़ेगा ना गरीबी भी आएगी ग्लोबल वार्मिंग भी होगी एनवायरमेंट का भी डिग्रेडेशन होगा गरीबी हंगर सब बढ़ेगा सब होगा ठीक है एक्सपर्ट का मानना है कि यदि आप लैंड रिस्टोरेशन कर लेते हो वो भी इफेक्टिव तरीके से ठीक है इट इज़ कपल्ड विदर्ट टू मीट फ्यूचर नीड्स है ना तो आप चीजों को अच्छे से रिकवर कर सकते हो फ्रॉम द करंट क्राइसिस एंड वी कैन मूव टुवर्ड्स अ इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावी भूमि बहाल बहाली भू भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों के साथ साथ वर्तमान के संकटों से उभरने और एक न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या होगी हमारे लिए आवश्यक होगी यूएन जनरल असेंबली बिलीव दैट अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी ज एन इफेक्टिव वे टू एक्सलेट द प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग सस्टेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा का मानना है कि 2030 तक यदि हम सततः विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं ठीक है तो उसके लिए अगर आपको भाई दो तक जो हमारे एस डी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अगर उनको अचीव करना है तो ऐसी अवस्था के अंदर में ना दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रेलिटी मतलब हम जितनी जगह हमारी ऑलरेडी लैंड डिग्रेड हो चुकी है उसको भूल जाओ और नहीं होनी चाहिए जैसे हम बोलते हैं ना कार्बन न्यूट्रलिटी वो नहीं होनी चाहिए तो कह रहा है कि हाँ तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे अब इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन बताया जा रहा है फूड सिस्टम और लैंड डिग्रेडेशन हमारी खाद्य प्रणाली को और भूमि जो निम्नीकरण है उनको जोड़ा जा रहा है कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो है ना इसने धरती को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है मनुष्य की एक्टिविटी किसी और ने नहीं किया जितना खेती ने किया है अब खेती में सिर्फ चीजें उगाना नहीं आता उसमें और भी खेती से जुड़ी चीजें आती हैं जैसे हम एनिमल फीड बनाते हैं मिट्टी और वाटर का मैनेजमेंट करते हैं जिसमें हमारी फॉरेस्ट लैंड जो है वो कम हुई है जिसमें हम अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं टू कनेक्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वो सारी एक्टिविटी जो भूमि से जुड़ी हुई हैं खेती है ना भाई इंडस्ट्री भी किससे जुड़ी है इंडस्ट्रलाइजेशन दैट इज ऑल्सोड एसोशियड विद एग्रीकल्चर क्योंकि इंडस्ट्राइजेशन को आपको पेड़ काटते हैं खेती के लिए आप पेड़ काट रहे हो ठीक है आप लैंड रिक्लेम कर रहे हो है ना खेती के लिए आप वेटलैंड रिक्लेम कर रहे हो है ना तो कह रहा है कि जितना फूड सिस्टम से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है उतना तो किसी चीज से नहीं हुआ भैया ये बात बोली जा रही है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जो फूड सिस्टम है ना खाद्य प्रणाली हमारी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटी परसेंट ऑफ डिफोरेस्टेशन जो पेड़ कटे हैं ना भैया जो वनों की कटाई हुई है उसके लिए अस्सी प्रतिशत जिम्मेदारी है खाद्य सिस्टम की हमारी जो हमारे फ्रेश वाटर हैं ताजा पानी के जो रिसोर्सेज हैं सत्तर परसेंट जो आज उनकी बर्बादी हो रही है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हमारा जो फूड सिस्टम है वो ठीक है तो फूड सिस्टम जो है दिस इज सिंगल ग्रेटेस्ट कॉज फॉर टेरिटोरियल लॉस बोला जा रहा है कि जो हमारी ये स्थलीय जैव विविधता प्रणाली है ठीक जै है, है? जैव विविधता उसको नुकसान के लिए सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है हमारी खाद्य प्रणाली ठीक है सर कोई बात नहीं छोड़ो झाड़ू मारो ये सब हमने पढ़ लिया लेकिन क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं आपने कहा यस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाँ किया जा सकता है चलो अगर किया जा सकता है तो कैसे करेंगे कैसे हम लैंड रिस्टोरेशन को अचीव कर सकते हैं चलिए कुछ बातें बताइए तो सबसे पहला है वी हैव टू इंटीग्रेटेड लैंड प्लानिंग वी हैव टू यूज द इंटीग्रेटेड लैंड प्लानिंग हमें भैया इंटीग्रेटेड लैंड प्लानिंग करनी पड़ेगी ठीक है तभी ऐसा हो सकता है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड यूज बोथ सस्टेनेबल मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर एज वेल एज द प्रिजर्विंग द लैंड रिसोर्सेज इन एन एफिशियंट वे टू एड्रेस द लैंड डिग्रेडेशन क्या कह रहा है दोस्तों ये कह रहा है कि भैया हमें ज़रूरत है कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि, कि किस प्रकार से जो स्टेक होल्डर हैं हम उनकी ज़रूरतों तो को पूरा कर सकते हैं एक एफिशिएंट तरीके से एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से तो एक कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच जो है हमें उसके लिए चाहिए टू आइडेंटिफाई लैंडस्केप वाइल मैक्सिमाइज द बेनिफिट सच एज द ग्लोबल रिस्टोरेशन हॉटस्पॉट एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल रिस्टोरेशन हॉटस्पॉट का ना बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्ट ये आर्टिकल द हिंदू में आया है तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसमें दिखाया एक मैप में कुछ कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं बट उसमें मैप इंडिया का ऊपर से कटा हुआ है तो मैंने वो यूज़ नहीं किया ये प्रोजेक्ट ये ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं दोस्तों उन एरिया को जहां लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं उनको रिस्टोर करने का दैट इज ग्लोबल रिस्टोरेशन हॉटस्पॉट प्रोजेक्ट दूसरा कह रहा है कि वी हैव टू यूज भाई फूड सिस्टम है ना सबसे बड़ी जड़ तो हम एक काम करते हैं हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अपनाते हैं जिसमें टेरेस फार्मिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये हम करते हैं ठीक है इट विल हेल्प टू रिस्टोर द लैंड एंड इट कैन पोटेंशियली इंक्रीज द क्रॉप यूल्ड्स तो ये क्या करेगा हमारी मदद करेगा जिससे हम लैंड को रिस्टोर कर सकें ठीक है एंड हम जो हमारी क्रॉप यूल्ड्स हैं उनको हम बढ़ा सकें इट विल ऑल्सो हेल्प प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड सेक्वेस्टर एटमोस्फेरी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है ना इस प्रकार की खेती करते हैं ना कि हमारी जो एटमोसफेयर के अंदर कार्बन हो वो भी सेक्वेस्टर हो है ना कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन पता है कि ना पता हाँ भाई पता है क्या होता है तो कह रहा है ऐसी खेती करो जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन आ, कम हो मिलट्स उगाओ वी आर सेलिब्रेटिंग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एज अ इंटरनेशनल ऑफ मिलेट्स सो so, ठीक है मिलेट्स जो है वो ग्रीन हाउस गैस को कम करते हैं ठीक है हमारा जो जियोकेमिकल साइकिल हमने बताया उसको भी फिक्स करते हैं सो so, मिलेट्स कैन बी गुड ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है भाई वो अब अब तीसरा कह रहा है देखो ये सारी चीज़ हमने जो बात की ना चाहे हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात कर लें चाहे हम इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ प्लानिंग की बात कर लें इट कैनॉट बी पॉसिबल विदाउट गवर्नेस एंड रेगुलेशन भाई ये शासन और विनियमन के बिना यह पॉसिबल नहीं है तो वी मस्ट इन्श्योर दैट देर शुड बी इंक्लूसिव एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ठीक है दिस इज वेरी क्रूशियल ठीक है ये जो रेस्पॉन्सिबल और जो गवर्नेस होगी रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होगा इट शुड इट इट विल बी क्रूशियल ठीक है टू फेसिलिटेट द शिफ्ट टू सस्टेनबल लैंड यूज एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस ठीक है समझ में आया दोस्तों बड़ा अच्छा आर्टिकल था बड़ा अच्छा टॉपिक था ठीक है मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया आई डोंट नो आपको आया कि नहीं आया हां मजेदार नहीं था जैसी लड़ाई झगड़े की और चटपटी चीजें आजकल लोग देखते हैं वो नहीं था डेफिनेटली मैं मानता हूं बट अच्छा टॉपिक था ठीक है आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा था चलिए रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं तो रिलेटेड सर्च में सबसे पहली बात यहां पे किसकी है क्लाइमेट चेंज की आपको ढूंढना है क्लाइमेट चेंज ओजोन डिप्लेन और जियो केमिकल साइकिल तीनों मैंने पढ़ाए हुए हैं जस्ट आपको नाम लिख के सर्च करना है बाय सुमित राठी सर यूट्यूब पे बस ये डाल देना बाय सुमित राठी आपको ऑटोमेटिक वीडियो मिल जाएगी ठीक है यूपीएससी के किसी भी टॉपिक पे एनवायरमेंट जियोग्राफी पे जस्ट गो एंड सर्च आपको टॉपिक मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सर फिल्म में क्या पूछा सकता है सर फिल्म में आपसे पूछा सकता है कि वट आर दस प्लैनेटरी बाउंड्री अच्छी चीज है ना नया टर्म है इट कैन बी आस्ट इन फिल्म प्लैनेटरी बाउंड्रीज क्या होती है लैंड रिस्टोरेशन क्या है वट इज दिस लैंड डिग्रेडेशन क्या है कैन लैंड रिस्टोरेशन हेल्प दी अर्थ क्या पृथ्वी को बचाया जा सकता है यस और नॉट ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं मेन्स का ये बहुत अच्छा सवाल मैंने रखा है दोस्तों ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मेन्स का देखो कितना अच्छा सवाल रखा है आप क्वेश्चन पढ़ के क्वालिटी देखिए इसकी और फिर बताइएगा मुझे क्या कह रहा है द लैंड इज एन ऑपरेटिव लिंक बिटवीन बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज भाई कह रहा है कि जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन के बीच में क्रियात्मक कड़ी कौन है भूमि ठीक है इसका अर्थ यह हुआ कि हम अगर भूमि को बहाल कर दें तो उससे जुड़े हुए संकटों का भी हम हल निकाल सकते हैं इसकी व्याख्या करो भाई साहब कौन ऐसा बंदा है जो ये टॉपिक पढ़ने के बाद इसको नहीं लिख सकता अगर नहीं लिख सकता तो मैं बड़े दुख और खेद के साथ कहूंगा ठीक है मुझे बड़ा खेद है इसको कहते हुए कि यू आर नॉट फिट टू गिव दिस एग्जाम यू स्पेशली अगर आप जो मैं उसको कह रहा हूँ जो बच्चा प्रयास ही नहीं कर सकता जिसको जिस इस टॉपिक को पढ़ने के बाद दिमाग में आएगा ही नहीं इसका सवाल का जवाब कैसे लेगा तो भाई फिर वो बच्चे में कहीं ना कहीं दिक्कत है उसको या तो अपने एफर्ट बढ़ाने की जरूरत है या आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसको और ध्यान से पढ़ना चाहिए या और कुछ हो सकता है ठीक है समझ में आई बात दोस्तों अरे सबके साथ हो रहा है सिग्नेचर वाला इशू सबके साथ है ठीक है कल चलो इस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं यार ये सबके साथ हो रहा है यार चलिए अगला आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक की रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार। ठीक है, तो रिवर सिटी अलायंस के में ग्लोबल सेमिनार हुआ है ठीक है रिवर सिटी अलायंस क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ तो बेसिकली अर्बन एरिया के अंदर में जो नदी है ना नदियों से जुड़ी हुई समस्या उसको कैसे समाधान किया जाए उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं और एक सॉल्यूशन एक मंच है जिसमें सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं कि कैसे रिवर सिटी जो नदियाँ जो शहर हैं अर्बन एरियाज़ भारत में गंगा नदी बहुत सारे अर्बन एरियाज को कनेक्ट करती हुई जाती है ना लेकिन उसी वजह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा है तो कैसे हम उन इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं उसी के ऊपर ही हुआ है कहां पे आया था दोस्तों पीआईबी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार जीएस पेपर दो पेपर तीन गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज इंटरवेंशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन अच्छा टॉपिक है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ऑर्गेनाइज द रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार तो रिवर सिटी अलायंस बेसिकली जो ग्लोबल सेमिनार है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये आपने वर्ड सुना होगा ये नया वर्ड नहीं है आपके लिए ठीक है किसके साथ मिलकर विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर एनआईयूए के साथ मिलकर पर्पज क्या है आर का एक ग्लोबल सेमिनार है इसका पर्पज है टू प्राइड ए प्लेटफॉर्म ऐसे कोई भी सेमिनार होते हैं इनका पर्पज यही होता है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ऑफिशियल्स को ठीक है मेंबर सिटीज को ये एक अलायंस है तो इसके मेंबर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि दुनिया भर के लोग आ सकें और एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सके और साथ साथ में दुनिया भर के अंदर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर में अर्बन एरिया भी शहर के ऊपर नदी के किनारे पे बसे हुए हैं बट फिर भी वो नदी बहुत साफ़ है ठीक है तो वो बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस हम लर्न कर सकते हैं बट डेफिनेटली इंडिया में जनसंख्या ज्यादा है तो इंडिया की प्रॉब्लम भी अलग है यार ठीक है तो वो चीज़ अलग है तो ऐसे ही बात की गई है कि एक इवेंट यहाँ पर हुआ धरा दो ठीक है धरा नहीं सॉरी धारा दो ये पहली एनुअल मीटिंग थी किसकी दोस्तों रिवर सिटीज अलायंस की

फॉर अर्बन रिवर मैनेजमेंट्स इन देअर सिटीज़ ये जो इवेंट है इसने लाइट डाली ऑन एन अन एड्रेस्ड इशूज दैट अनएड्रेस इशू एन द चैलेंजेस फॉर द रिवर मैनेजमेंट इन द सिटीज़ कि किस प्रकार से आप रिवर मैनेजमेंट करोगे उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए उसके ऊपर में इसने नजर डाली ठीक है समझ में आ रही बात दोस्तों क्या प्रॉब्लम है उनके क्या टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हो सकते हैं किस देश ने क्या अपनाया जिससे उनका बेहतर हो गया ये सारी बातें इसके अंदर में की गई अब ये है क्या सर रिवर सिटी अलायंस की अगर हम बात करें तो एक इनिशिएटिव है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ शक्ति के अंडर में काम करते हैं साथ ही साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन्होंने भी इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया है।, है, क्या है कि वो वो शहर जिनके किनारे के ऊपर में वो वो शहर जो किसी नदी के किनारे में बसे हुए हैं उनको किस प्रकार से रिवर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है उसकी बात यहाँ की गई है ठीक है सो इट इज़ बिगिनिंग विथ थर्टी मेंबर सिटीज तीस मेंबर थे इसके अंदर में नवंबर 2021 के अंदर और आज इसके अंदर 109 वो हो चुके हैं मेंबर हो चुके हैं इसके अंदर में ठीक है और ये 109 मेंबर मैं बता दूं इंडिया के ऐसा नहीं कि इंडिया इंडिया के हैं इंडिया और इंडिया से बाहर के भी हैं एक इसमें इंटरनेशनल मेंबर भी है जो किससे बिलोंग करता है दोस्तों डेनमार्क से आज एक सिटीज़ हैं जो इसकी मेंबर है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी क्योंकि ये इसमें पार्टनर है ठीक है एनआईए के साथ तो ये क्या है तो बेसिकली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है 2011 में इसको बनाया गया था अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है मतलब कानून के तहत इसको बनाया गया है इसको ठीक है एंड अंडर ये किसके अंडर में नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा के अंडर में काम करती है जिसको हमने रेजिनेवेशन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एक्ट दो के तहत में इसको बनाया था दो में गवर्नमेंट को इशू फेस हुए नोटिफिकेशन टू अथॉरिटीज दी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा टू एक्सरसाइज पावर अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन दो हजार सोलह सरकार ने पर्यावरण अधिनियम उन्नीस सौ छियासी के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत में इसको बनाया था यार ऑब्जेक्टिव क्या है इसके दोस्तों ये जो मिशन है द मिशन इन कारपोरेट रिहेबिलिटिंग एंड बूस्टिंग द एग्जिस्टिंग एस टी पीस एंड इंस्टेंट शॉर्ट टर्म स्टेप टू कब द पॉल्यूशन एट एग्जिट पॉइंट ऑफ द रिवर फ्रंट्स इन ऑर्डर टू चेक द इन दी विच आपको पता है सीवर का पानी छोड़ देते हैं हम उसमें सीवेज का पानी उसको चेक करना ठीक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है जो एग्जिस्टिंग हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है उनको बूस्ट करना उनको रीहेबिलेट करना जो एग्जिस्टिंग है ये इसका ऑब्जेक्टिव था समझ में आ रही बात दोस्तों ठीक है इसका उद्देश्य था टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर फ्लो विदाउट चेंजिंग द नेचुरल सीजन वेरिएशन कि नदी का फ्लो चलता रहे भैया उसके अंदर बदलाव ना आए जितना पानी था वो चलता रहे पानी गंदा ना हो जो भारत की नदियों में हम देखते हैं इसका उद्देश्य था उद्देश्य था टू रीजनरेट एंड मेंटेन नेचुरल वेजिटेशन इन द एरिया एरिया के अंदर में क्षेत्र के अंदर में प्राकृतिक वनस्पति को पुनर्जीवित किया जाए और उसको बनाया रखा जाए टू रिस्टोर एंड मेंटेन द सर्फेस फ्लो एंड अंडर ग्राउंड वाटर इसके अंदर में जो सरफेस फ्लो है और ग्राउंड वाटर है उसको मेंटेन किया जाए टू कंजर्व एंड रीजनरेट द एडिक्वेटेड बायोडावर्सिटी एज वेल एज राइपेरियन बायोडावर्सिटी ऑफ द रिवर गंगावेशन इसका उद्देश्य था क्या उद्देश्य था दोस्तों गंगा नदी की जलीय जैव जैव विविधता के साथ साथ तटीय विविधता को भी संरक्षित और पुनर्जीवित करना टॉपिक so जो इसी से है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ठीक है आप ऐसे ही नहीं पढ़ रहे आप की, interest, आप इसलिए देख रहे हो बिकॉज आपको यूपीएससी क्रैक करना है

आजकल न्यूज है ट्विटर ने अपना वो जो ब्लू टिक है वो हटा दिया है और जो एपीआई सर्विस है उनके लिए बाई पेड पे करो ठीक है एपीआई सर्विस और जो ब्लू टिक है उसके लिए अब ट्विटर कह रहा है भाई पैसे दो उसी का ऑल्टरनेट बताया जा रहा है कि ऑल्टरनेट के रूप में अब है ब्लू स्काई वैसे ब्लू स्का ब्लू स्काई की अगर हम बात करें तो ब्लू स्काई और ट्विटर दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है दोनों की फंक्शनिंग अलग ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज उसके ऊपर में काम करता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है तो मतलब कहने का है कि लोग आजकल क्या कह रहे हैं कि ट्विटर का ऑल्टरनेटिव है क्योंकि बबू पैसे लेने लग गया ब्लू टिक और ए पी सर्विसेज के लिए है ना तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा ब्लू स्काई बट दोनों अलग अलग चीज़ है यार ये एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है ब्लू स्काई वो ओपन है कोई भी किसी को ज्वाइन और फॉलो कर सकता है इसमें नहीं इसमें इनवाइट लिंक भेजना पड़ता है ठीक है तभी हो सकता है नहीं तो वेट लिस्ट में पड़े रहो तो सिस्टम अलग है बट आजकल न्यूज है कि ब्लू स्काई जो है वो अगला ट्विटर बनेगा या उसको टेक ओवर करेगा बिकॉज उसने वो पेड कर दिए वगैरह वगैरह तो इसीलिए मुद्दा न्यूज़ में था गर्म था तो मैंने कहा कि चलो पढ़ा देते हैं ठीक है तो किस प्रकार से ब्लू स्काई जो है कह रहा है कि वो ट्विटर को अफेक्ट करेगा उसके बारे में ये बात की गई है ये ब्लू स्काई के सी ओ हैं बेसिकली है ना तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बाद जीएस पेपर तीन भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हमारे आसपास घट बढ़ रहा है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए है ना तो कह रहा है कि जो ब्लू टिक वेरिफिकेशन सर्विस है और एपीआई एक्सेस जो है अब वो पेड फीचर बना दिया है है ना तो अब कई सारे लोग हैं जो अल्टरनेटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं और ब्लू स्काई जो है वो एक पोटेंशियल एक क्लेमेंट हो सकता है ट्विटर के थ्रोन का ट्विटर की जिस गद्दी में बैठा है वो गद्दी छीन सकता है गेम ऑफ थ्रोन की तरह कौन ब्लू स्की ब्लू स्काई के, जिनका नाम है Grabber, तो वो एक रहे हैं और उनका बैकग्राउंड में ब्लू स्काई ब्लू स्काई 2019 में लॉन्च किया गया था किसके द्वारा जो पुराने सीईओ थे ना जैक डॉर्सी ट्विटर के उनके द्वारा किया गया था और निकल गए थे तो उन्होंने बना दिया भाई उन्होंने कहा कि ठीक है भाई बनाते हैं ठीक है और उन्होंने कहा कि भाई बाद में कहा कि आप इसको क्या करो इस प्रोजेक्ट को लीड करो ठीक है मतलब बनाया किसने था जैक डॉर्सी ने बनाया था लेकिन उन्होंने दे दिया किसको जे जेग्रैबर को क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी में उनका बैकग्राउंड है और ये भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब ब्लू स्की क्या है सर ये ब्लूस्काई अगर हम बात करें तो ब्लूस्काई एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल वेबसाइट है जिस प्रकार से ट्विटर है इसको ए प्रोटोकॉल पे बनाएंगे ए टी प्रोटोकॉल का मतलब है ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या होती है ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है अब इसकी पीएचडी करने में नहीं बैठना है बस यूपीएससी के अंदर में प्री के अंदर में एक नंबर का आएगा दो नंबर का तो उसके लिए आपको ये बस ये इतना होगा तो बहुत रहेगा कि ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ठीक है ब्लू स्काई जो है इट माइट बी क्लासिफाइड एज ए ट्विटर कॉम्पिटेटर हम कह रहे हैं कि ट्विटर का कॉम्पिटेटर होगा बिकॉज ये उसी टीम ने बनाया जो कभी किस में काम करती थी दोस्तों ट्विटर में काम करती थी बट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है

आपका ऑथेंटिकेटेड प्रोटोकॉल की हमने बात की ठीक है बात की ना यहाँ पे पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड प्रोटोकॉल की जो हमने बात की ये क्या है ठीक है तो ये कह रहा है कि देखो जो भी ऐप अगर ए टी प्रोटोकॉल पर बनी है ठीक है तो उसमें क्या है कि एक प्लेटफॉर्म से जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाओगे ना तो आपके जो सब्सक्राइबर फॉलोवर जो आपका वर्क है जो डेटा है वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है ये इसकी खास बात है ए टी प्रोटोकॉल की मतलब कल से आप इससे दूसरी जगह शिफ्ट हो गए दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट होते हो एक अकाउंट था दूसरा अकाउंट बनाते हो तो उसके ऊपर वो चेंज हो जाएगा ठीक है आप अपने फॉलोवर लूज नहीं करोगे प्लेटफॉर्म पे अक्रॉस द डिफ बिटवीन द प्लेटफॉर्म्स ठीक है ये जो अकाउंट पोर्टेबिलिटी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसका प्रोटोकॉल का ठीक है ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है अब दोस्तों जैसे हमने बताया कंपेरिजन तो हो ही रहा है कि ट्विटर जो है उसको ओवरटेक करेगा कौन ब्लू स्काई बट ये कह रहा है कि जो ब्लू स्काई है यार वो अलग ही काम है उसका है वो एक प्राइवेट बेटा है बेसिकली सेलेक्टेड ग्रुप जिनको लिंक भेजा जाता है वही इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाकी अदर इंटरेस्टेड जो हैं वो लिंक रिक्वेस्ट भेजते रहो वो वेट लिस्ट में पड़े रहेंगे जब तक उनको लिंक नहीं आएगा तब तक वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ऐसी बातें हैं तो ये चलती रहती हैं चीज़ें आती रहती हैं ठीक है चलिए रिलेटेड सर्च में यहाँ पे बात करनी है दोस्तों आपको मास्टोडॉन और ट्विटर क्या है ये चीज़ दोनों थोड़ा सा जान लेना इसमें

थोड़े समय के लिए ठीक है इसके अंदर में भी जो रिटायरमेंट की एज है एक्सेप्ट सीनियर वो पंद्रह साल के आसपास की फिफ्टीन ईयर्स के आसपास की है तो अभी रिसेंटली अलाउ किया गया भारत के अंदर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भाई ठीक है भारत की टेरिटोरियल आर्मी में लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एल जो है उसके ऊपर में महिलाओं को लगाया जा सकता है ये बेसिकली न्यूज आई थी तो अगर ये न्यूज आई थी तो इसको डिस्कस करना ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जारी रक्षा मंत्री अप्रूव पोस्टिंग ऑफ विमेन ऑफिसर ऑफ़ द टेरिटोरियल आर्मी अलोंग दी लाइन ऑफ कंट्रोल एल तो लाइन ऑफ कंट्रोल एल के पास में महिलाओं को जो ऑफिसर महिलाएं हैं टेरिटोरियल आर्मी की ठीक है याद रखना ये अलग आर्मी नहीं है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्मी ठीक है ये वॉलेंट्री पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको अप्रूव कर दिया गया है ठीक है तो ये न्यूज थी हमारी तो टेरिटोरियल आर्मी की बात करें तो जो भारत के पहले गवर्नर थे सी राजगोपालचार्य उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी बनाई थी 9 अक्टूबर 1949 की मैं बात कर रहा हूँ संविधान बनने से पहले की बात है यह ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंटियर बेसिस पे काम करती है जो भी करना चाहते हैं जो इच्छुक है वो इस संगठन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं हर साल ट्रेनिंग होती है ठीक है और अपने आप को रेडी कर सकते हैं कि किसी प्रकार की अगर इमरजेंट सिचुएशन आती है तो वो भारत के डिफेंस में सर्व कर सकें ठीक है टेरिटोरियल आर्मी को टेरियर भी कहते हैं क्या बोलते हैं टेरियर और ये नेशनल डिफेंस के अंदर में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है आफ्टर आर्मी आर्मी के बाद इसको दूसरे नंबर पर रखा जाता है सर एलिजिबिलिटी भाई एलिजिबिलिटी पहली तो यही है कि आप अट्ठारह से बयालीस साल के बीच में होने चाहिए पहली बात दूसरा इसमें पेंशनेबल आप वॉलेंटरी इसमें वो करते हो ठीक है टेरियर्स के अंदर में पंद्रह साल रेगुलर सोल्जर जो है उनका रिटायरमेंट पीरियड इसमें माना जाता है अगर मैं टेरिटोरियल आर्मी की बात करूं तो बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन और वॉर रहे हैं जिनमें उन्होंने भाग लिया उन्नीस की लड़ाई देख लो पैंसठ की देख लो इकहत्तर की लड़ाई देख लो इनमें इन्होंने भाग लिया है ठीक है इसके अलावा ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में हुआ था ऑपरेशन राइनो एंड ऑपरेशन अगर मैं बात करूं तो बजरंग नॉर्थ ईस्ट में हुआ ऑपरेशन अगर हम बात करें रक्षक पंजाब और जे एंड के में हुआ सब में टेरिटोरियल आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है ठीक है इसके अलावा जब भी नेचुरल क्लामिटीज़ होती है जब भी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट मतलब स्ट्राइक वगैरह होती है ठीक है लातूर के अंदर जो भूकंप आया था साइक्लोन आया था उड़ीसा में अभी उत्तरकाशी और उत्तराखंड के अंदर में जो प्रॉब्लम हुई थी हर जगह दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी ने अपना पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाया है ठीक है चलिए बात करते हैं सी पैक एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं अब अफगानिस्तान जो है वो मान गया कि है कि भैया हम भी सी पैक को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एग्री कर मतलब उसमें हम ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के अंदर अभी तालिबान की सरकार है यार और तालिबान की सरकार पर दुनिया भर में सेंक्शंस लगाए हुए हैं इकोनॉमिक हालत उनकी ठीक है नहीं तो ऐसे में वो भी डेट ट्रैप में फंसने को रेडी है तो जो मल्टी बिलियन डॉलर चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है उसके अंदर में अब अफगानिस्तान भी रेडी हो गया कि ठीक है भैया हम भी इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे हम भी मजे लेंगे अब इस डील को ब्रोकर किसने कराया दोस्तों अनडाउटली चाइना इस इस डील के अंदर में पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान लेके आया इसमें पाकिस्तान का अपना खुद का इंटरेस्ट है क्योंकि तो देखो भाई अफगानिस्तान के अंदर में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं ठीक है क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो मोबाइल और जो जो आपकी इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी उसके लिए बहुत ज़रूरी है इसके अलावा बहुत सारा रिज़र्व है इसके अंदर में मेटल रिज़र्व का कॉपर है गोल्ड रिज़र्व पाया जाता है तो उसको बस उस चीज़ का लालच आ रखा है और ये पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारा बाप चाइना और बैठा है वो तुम्हारे हाथ कुछ ना आने देगा वो सारी चीज़ खुद लपक जाएगा ठीक है तो ये खैर हमारे लिए टेंशन की बात है बट पाकिस्तान इसमें राज्य हुआ घूम रहेगा है आ गया अफ़गानिस्तान भी आ गया बट इसमें होना जाना कुछ नहीं है और जो वो सोच रहा है वो फायदा उसको मिलने वाला है नहीं तो बात करते हैं सी पैक का एक्सटेंशन टू तो द चाइना ये देख लो फोटो खिंचवा रहे हैं ठीक है यह है बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो ठीक है ये चाइना चाइनीज हैं वो दिख ही रहे हैं और ये कहाँ से हैं जरदारी साहब ये अफगानिस्तान से हैं ठीक है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में यार बिल्कुल अफगानिस्तान रेडी हो गया इस्लामाबाद में बैठक हुई थी उसमें कह दिया ओके की रिपोर्ट हम भी ज्वाइन करेंगे भाई आ जाओ तो ये जो मूव है इससे माना जा रहा है कि मिलियन ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्ट होने वाले हैं कहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर खैर अफगानिस्तान के लिए एक तरीके से अच्छी बात भी है दुनिया भर में ने उस पर सेंशन लगा रखा है तो कम से कम कहीं से तो पैसा आए कहीं से तो इन्वेस्टमेंट आए ठीक है तो वो यहाँ पर पैसा आ रहा है है ना इसके बदले में उसने भी एग्री कर दिया कि ठीक है भाई हम भी भाग ले लेंगे इसमें हम जो आपका कराची सर्कुलर रेलवे है उसके अंदर में भी हम भाग लेंगे इसके अलावा हमारे यहाँ पे तुम इन्वेस्ट करो एग्रीकल्चर में साइंस में आईटी में रिन्यूबल एनर्जी में इन्वेस्ट करो ठीक है बोल रहा है खुले में कह रहा है अफगानिस्तान अब ये जो सी पैक है आपको पता है ये लॉन्च हुआ था 2015 के अंदर इंडिया इसका हम इसको प्राइमरली अपोज करते हैं सी पैक पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिसके तहत में चाइना भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा हम उसी को अपोज कर रहे हैं ठीक है इनका पोर्ट है आपका इनका ग्वाधार पोर्ट उसको कनेक्ट किया जा रहा है चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस से है। और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है रोड ब्रिज पोर्ट बंदरगाह रेलवे लाइन सब डेवलप कर रहा है कौन चाइना उसके लिए लोन दे रहा है पाकिस्तान को वो खुद डेवलप नहीं कर रहा पाकिस्तान को लोन दे रहा है और रोड बना रहा है और पाकिस्तान ऐसा नहीं कि लोन लेके खुद से बना ले नहीं भाई उसने लोन भी ले लिया है और वो लोन बनवा भी किससे रहा है दोस्तों चाइनीज कंपनियों से तो चाइना का लोन का लोन हो गया और वो जो उसकी जो जो ताकत है जो पावर है भाई काम तो दे रहा है ना वो दुनिया अपने कंपनियों कम, को ठीक है तो वो एक चीज है वो मतलब पैसा रोटेट हो रहा है उसका बढ़िया उसका मजा आ रहा है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मस्त मजे ले रहा है वो ठीक है तो यह ये, है तो ये उद्देश्य क्या आपको पता है चाइना चाहता है कि दुनिया भर के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाए और इसीलिए वो बी ए बेल्टन रोड इनिशिएटिव जो है उसको आगे बढ़ा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है दोस्तों इसी का भाग है दोस्तों क्या इसी का भाग है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लगभग तीन किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और ये भारत के पी उससे जाता है पीओके से जाता है और इसीलिए हम इसको अपोज़ कर रहे हैं हम इसकी निंदा भी कर रहे हैं और हमने इसको ज्वाइन भी नहीं किया है ठीक है सी पैक जो है इट एम्स टू लिंकिंग द सिटी ऑफ ग्वाधार इन द साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान टू द चाइनाज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जिंग जी इसमें रेल हाईवे सब बनाए जाएंगे है ना ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इसको हैवीली सब्सिडाइज लोन से कह रहा है कि फाइनेंस uh, किया जाएगा लोन मिलेगा और लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में छूट मिलेगी और क्या फ़ायदा सोचो लोन पैसा कौन दे रहा है लोन कौन दे रहा है चाइना बदले में ये जो प्रोजेक्ट है वो भी किसको लोट हो रहे हैं चाइनीज कंपनियों को ठीक है मतलब चाइना वाले अपनी ही कंपनियों को काम दिला रहे दूसरे देश में अपना पैसा देके उसको कर्जदार भी बना रहे हैं है ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं अब इसका पाकिस्तान क्यों इसमें राजी हो रहा है यार सी पैक के अंदर में चलो अफगानिस्तान आ गया तो वाई पाकिस्तान इट्सो राजी देखो अफगानिस्तान की बात करें ना तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं एक दशमलव चार मिलियन टन के आसपास जिसको इलेक्ट्रॉनिक और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है उसके अंदर में गोल्ड ऑयल यूरेनियम बॉक्साइट आयरन और ठीक है बाकी लिथियम क्रोमियम लेड जिंक बहुत सारे चीज़ें हैं उसके अंदर में जो भरी पड़ी हैं बस उसी का लाल चाह रहा है किसको पाकिस्तान को कि भाई धमाल मचाएंगे लूटें खाएँ पिए मौज करेंगे ठीक है चलिए जो पार्टिसिपेशन है सीपैक का इट विल अलाउ इस्लामाबाद एंड बीजिंग टू हारनेस एनर्जीज एंड अदर रिसोर्सेज सबको लूट रहा है सब कुछ तो आ रहे हैं बीजिंग वाले और लूटेगा तो चाइना ही बट वो सोच रहा है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत हड्डी तो मतलब बोटी खा लेगा तो हड्डी तो कुछ तो छोड़ेगा वो मैं लूट लूँगा ठीक है ऐसा लग रहा है उसका अगला टॉपिक है दोस्तों प्रोग्राम फॉर एनसीडी ठीक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो प्रोग्राम था उसको रीनेम कर दिया गया उसका नाम बदल दिया गया है ठीक है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक ये बना दिया नाम बदल दिया बेसिकली पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज़ होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकते हार्ट अटैक डायबिटीज़ कार्डियोस्कुलर अब एक व्यक्ति दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो सकता जैसे कोरोना होता था ठीक है जो हो सकता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं तो पहले एनसीडी बोलते थे अब उसको थोड़ा और बेहतर ढंग से करने के लिए देखो इतना बड़ा नाम दे दिया है नॉन प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक पहले क्या था सिंपल प्रोग्राम फॉर एनसीडी ठीक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अब उसको बदल दिया है ठीक है चलिए तो एग्जिस्टिंग नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक प्रोग्राम हैज बीन रीनेम्ड उसको नाम बदल दिया गया क्या नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ये था पहले और अब ये कर दिया गया है एनपी नेशनल प्रोग्राम फॉर एनसीडी ताकि बाकी की बीमारियां भी इसमें आ सके ठीक है इट हैज बीन रीनेमड टू सब्ज्यूम ऑल टाइप ऑफ एनसीडी ताकि बाकी जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो सारे के सारे इसमें आ सके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रीनेम्ड इसके अलावा भी और किया है क्या सिव प्राइमरी हेल्थ केयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सिस्टम इसका नाम बदल दिया है। पहले ये था इसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया नेशनल एनसीडी पोर्टल पहले इतनी बड़ी नाम थी इसका ठीक है इसका भी नाम क्या कर दिया गया दोस्तों बदल दिया गया है अब ये यह क्या है वो कैंसर डिजीज एंड ये वो स्ट्रोक ये क्या था इसको 2010 में लॉन्च किया गया था नेशनल हेल्थ मिशन के तहत में पूरे देश के अंदर फोकस क्या था कि भारत के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जा सके टू कॉम्बे टू फाइट दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत किया जा सके हेल्थ को प्रमोट किया जा सके अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ये इसका क्या था दोस्तों उद्देश्य था क्या होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट नहीं हो सकते उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं दैट आर नॉट स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्शंस थ्रू अदर पीपल्स ठीक है ये अनहेल्दी बिहेवियर की वजह से होता है डायबिटीज़ क्यों होती है आपकी आपकी जो फूड हैबिट्स है उनकी वजह से आपके आपकी लेजीनेस की वजह से तो वो ये बोल रहा है और ज़्यादातर ये जो बीमारी है ठीक है दे आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड एंड आर प्रेजेंट इन अवज थ्रेट टू द हेल्थ एंड डेवलपमेंट पर्टिकुलर इन द लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज इनके अंदर में बड़ा खतरा है ठीक है फोर टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं और टू थर्ड डेथ इनसे होती है चार बीमारियों से कार्डियोवस्कुलर डिजीज ठीक है कैंसर एक तो हार्ट अटैक वाला सिस्टम कैंसर डायबिटीज और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज सांस लेने में दिक्कत होती है ना दुनिया के दो एक तिहाई दो तिहाई लोग इससे मरते हैं आठ मई दोस्तों क्या था वर्ल्ड थैलीसीमिया डे अभी थैलीसीमिया क्या होता है थैलीसीमिया ब्लड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है ठीक है इसमें क्या होता है आपके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है अब ये लोग हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो क्या होगा आपकी ब्लड में जो आरबीसी हैं रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो प्री मेच्योरली डाई करेंगी मरने लग जाएंगी और आरबीसी मरेंगी तो आप सोचो क्या होगा दिक्कत होगी ना फिर आपके बॉडी के अंदर में जो अलग अलग बॉडी पार्ट के पास में जो ऑक्सीजन ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज़ है वो कम हो जाएगी है ना तो ये है थैलीसीमिया अब इसका इलाज है थैलीसीमिया का ठीक है क्या इलाज है सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको बार 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 खून चढ़वाना पड़ता है खून बदलवाना पड़ता है अब वो जो बार बार खून बदलता है उससे भी दिक्कत हो जाती है क्या कि आपकी बॉडी में कई बार हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है वो भी एक प्रॉब्लम है ठीक है तो अभी आठ मई को आठ तारीख को इसके ऊपर बेसिकली कल द हिंदू में आर्टिकल भी आया था ठीक है अगर उसमें बात करूँ तो उसमें आया था एडिटोरियल में आया हुआ था बट वो काम का था नहीं यार उसमें बस यही काम का था कि वर्ल्ड थैलीसीमिया डे होता क्या ये बीमारी क्या है थोड़ा इसके बारे में हम जान लेंगे बस इतना सा बहुत है तो वर्ल्ड थैलीसीमिया डे सेलिब्रेटेड एट एट मई एवरी ईयर एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जनरली ये माता पिता से ही आपको मिलता है ठीक है बेसिकली कुछ जेनेटिक मैं बोलूंगा म्यूटेशंस होती है जिनकी वजह से होता है अभी मैं उसको समझाऊंगा इसके अंदर में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो होता है जिसको हम कहते हैं उनकी संख्या कम होती है इससे आरबीसी जो है वो प्री मेच्योरली डाई करने लग जाती है मरने लग जाती है और आपकी बॉडी के पास में जो अलग अलग भाग है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से मेनटेन नहीं हो पाती जिन लोगों को थैलीसीमिया होता है ठीक है या तो उनमें हीमोग्लोबिन होता नहीं है वह हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है ठीक है कैन कॉज एनीमिया अब ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी के अंदर में ब्लड नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा है ना क्या होगा एनीमिया आप थके थके पड़े रहोगे सारे दिन है ना तो ये ज्यादातर मेडिटरेनियन देशों में साउथ एशिया के साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मिडिल ईस्टर्न रीजन इनको क्या करता है प्रभावित ज्यादा करता है ठीक है अब कह रहा सर ये किसकी वजह से होता है इसका कारण है एक फॉल्टी जीन मैं आपको दिखाऊं एक जीन होता है जीन आप समझते हो ना अनुवांशिक गुणों के प्रभाव तो जीन्स जो होते हैं दोस्तों ये बेसिकली क्या करते हैं ये इसका कारण है एक फॉल्टी जीन इज द रीज़न डैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है ठीक है तो एक जो बच्चा है हो सकता है कि उसके अंदर में कुछ फॉल्टी जीन्स हो पेरेंट्स से मिले हों उसको ठीक है लेकिन अगर एक फॉल्टी जीन है तो कुछ नहीं होगा लेकिन सपोज करो उसके माँ में माँ में भी फॉल्टी जीन था बाप में भी और वो फॉल्टी फॉल्टी मिल गए उसमें तो उसको पक्का क्या होगा थैलीसीमिया रहेगा ठीक है उसको पक्का जैसे ये थे ये अनअफेक्टेड कैरियर फादर है दिस इज कैरियर मदर है मतलब इनको है नहीं थैलीसीमिया दोनों में से किसी को नहीं है लेकिन इनका एक जीन जो है ना वो डिफेक्टेड है एक जीन इनका भी तो एक जीन से कुछ नहीं होगा इनको कभी थैलीसीमिया नहीं होगा लेकिन सपोज करो इनके बच्चा होता है तो चांस क्या है बच्चे में दोनों सही जीन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हो सकता है इनके बच्चे में भी एक एक डिफेक्टेड आ जाए ठीक है तो भी कुछ नहीं है लेकिन तब क्या होगा जब दोनों डिफेक्टेड एक जगह हो जाएंगे तो इसको थैलीसीमिया हो जाएगा और भारत में ऐसे डिफेक्टेड अनफेक्टेड कैरियर फादर और मदर इनकी संख्या बहुत है ठीक है इनकी संख्या भारत में बहुत है और कहीं संजोग हो गया ना दोनों का एक साथ तो फिर थैलीसीमिया तो इसकी संख्या बढ़ सकती है ठीक है सिम्टम्स अगर हम बात करें तो इसमें थैलीसीमिया के अंदर में एनीमिया रहता है बहुत थके रहोगे खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी सांस लेने में दिक्कत होगी है ना ये सब होगा इररेगुलर हाउट हार्ट बीट रहेगी आपकी स्किन का कलर हल्का हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन होगा नहीं उसके अंदर में पीली पीली स्किन दिखेगी बॉडी में आयरन जो है या तो कम होगा या बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्यों क्योंकि आपको लगातार खून चढ़वाना पड़ता रहता है ठीक है लगातार आपको करना पड़ेगा तो उससे आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है लिवर आपके हार्मोन्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, है ना ठीक है कुछ लोगों के अंदर अगर हम बात करें तो उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती उनकी हड्डी जो है वो वीक रहती हैं फ्रज़ाइल रहती हैं और फर्टिलिटी मतलब आगे जाके वो बाप या म नहीं बन पाते वो भी एक प्रॉब्लम है इन पर ना ट्रीटमेंट सिंपल है सर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न खून चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो ठीक है अराउंड वन सा मंथ एक महीने में एक बार उनके अंदर खून जो है वो जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें तो कैलेशियन थेरेपी होती है ट्रीटमेंट विद मेडिसिन टू रिमूव द एक्सेस आयरन फ्रॉम द बॉडी एक तो चढ़ाओगे तो फिर क्या होगा आयरन आता रहेगा लेकिन ज़्यादा चढ़ा दिया तो आयरन ज़्यादा हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए फिर कैलेशियन थेरेपी होती है कैलेशियन थेरेपी होती है दोस्तों जैसे एक्सेस आयरन को निकाला जाता है फ्रॉम द ब्लड दैट बिल्ड अप एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग ए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना तो ये दोनों है कह रहा हैं सर व्हाट इज द पॉसिबल क्योर तो ओनली द पॉसिबल क्योर जो है थैलीसीमिया की वो क्या है स्टम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये एकमात्र अभी इलाज है इसका बट ये कॉस्टली बढ़ेगा यार ठीक है इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है अभी तक इसको किया भी नहीं जाता मतलब ऐसे ऑफनली नहीं कि कोई भी जाए बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टम सेल थेरेपी ले ले तो वो पॉसिबल नहीं है ठीक है So, दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं आपको बता दूं दो दो, दोस्तों अनअकेडमी के पेड कोर्सेज भी हैं तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ और इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ मिलकर अन अकेडमी के पेड कोर्सेज करना तो मैं आपको बता रहा हूं यहां 50 परसेंट ऑफ अभी आपको अनकेडमी यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है एक महीने की तैयारी सिर्फ सत्रह रुपए में आप करके अपना आई बनने का सपना साकार कर सकते हो इसमें आप ऑप्शनल प्री मेंस टेस्ट सीरीज टू लाइव डेली आंसर राइटिंग सब आप कर सकते हो दोस्तों ठीक है इसके अंदर में आपको सिंपल बात ध्यान रखनी है दोस्तों और वो है मेरा कोड और वो कोड क्या है दोस्तों मेरा सुमिट्टें। सुमिट्टें आप यूज करेंगे आपको मिलेगा दोस्तों टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट एंड अ शॉर्ट गाइडेंस बाय मी ठीक है इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों आपको कोर्सेज दो प्रकार के हैं प्लस और आइकॉनिक दोनों में ध्यान रखना है आपको मेरा कोड मेरा कोड है सुमिट टेन ठीक है यहां पर भी मेरा कोड क्या है दोस्तों सुमिट टेन दोनों में आपको मेरा कोड यूज करना है ठीक है आप कहीं भी जाए लाइव क्लास वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनलिमिटेड क्लास आपको मिलेंगी लेकिन अगर चाहते हैं कि आपको कोई पर्सनली गाइड करे आपका टेस्ट चेक करे आपको गाइडलाइन दे स्टडी मटेरियल आपके घर पे जाए तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है बट दोनों में कोड सेम रहेगा ठीक है सो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं मेरे से मैं बार बार बोल रहा हूँ यारेडमी जब भी आप कोर्स लो पहले बोल दो कि वी वॉन्ट टू यूज द कोड सुमित सुमितेन हम सुमित सर के साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं तो तभी मैं आपको आगे गाइड कर पाऊंगा ना ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए मेरे क्लास का टाइमिंग चाहिए नोटिफिकेशन चाहिए सारी वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और नोटिफिकेशन को म्यूट ना करें वहां कोई अदर मैसेज नहीं आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास रिलेटेड मैसेज आएंगे तो आप जुड़ जाइए मेरे से दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल एट द रेट सुमित राठी यूपीएससी ठीक है समझ में आ गया चलिए ऑन दिस नॉट वी आर एंडिंग दिस सेशन बाय जय हिंद Let's crack it.